नमस्कार, स्वागत है एजुकेशन सिस्टम बिहार यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसटीटी लेटेस्ट न्यूज अपडेट पे एक आवश्यक सूचना है। जब तक आरटीआई से सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज डाटा नहीं प्राप्त हो तब तक किसी भी डाटा पर ध्यान नहीं दें। बहुत सारे लोग टेंशन की स्थिति में हैं, कहीं कुछ जगह से कुछ डाटा को देख लेने के बाद कि सीट से ज्यादा रिजल्ट है अर्थात वैकेंसी से ज्यादा रिजल्ट है, तो इस बात को लेकर काफी टेंशन की स्थिति में है। तो उन लोगों को हम बता दूं, जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो टेंशन की स्थिति में है उन लोगों को बता दूं कि 37,000 प्लस 33,916 वे भी स्वीकृत पद हैं। और साथ ही साथ बात करें तो छठे चरण में भी 30,000 में से 16,000 ही सर्टिफिकेट हैं, अर्थात उसमें भी 14,000, तो कुल मिलाकर 85,000 पद रिक्त हैं। यदि मानकर चलते हैं कि टीईटी अर्थात पूर्व निर्धारित कट ऑफ के अनुसार रिजल्ट दिया गया हो, 75 और 67.5 पर रिजल्ट दिया गया हो, तो भी इतने पद रिक्त हैं, स्वीकृत पद हैं, कि जो भी क्वालिफाइड हैं उन लोगों का हो जाना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा पेपर वन में 1,09,000 के करीब शामिल हुए थे मानकर चलते हैं, और जिसमें से कुल मिलाकर बात करें तो 16,000 ही सफल हुए हैं, क्वालिफाइड हुए हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं पेपर वन में। आप पेपर टू की बात कर लें तो पेपर टू में देख सकते हैं 45,000 प्लस शामिल हुए थे, जिसमें से मात्र 8,500 सफल हुए हैं, क्वालिफाइड हुए हैं। तो आप इस डाटा से भी अनुमान लगा सकते हैं, तो सभी क्वालिफाइड का जॉब हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। आप समझ सकते हैं कितना स्वीकृत पद है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि यदि टीटी के अनुसार दिया तो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहेगी, कुछ ना कुछ ईयर से होती ही है वैलिडिटी, तो बात कर लेते हैं वैलिडिटी यहां पर भी दिया जाएगा। 7 साल ही मानकर चलते हैं, 7 साल में ये पद तो रिक्त रहेंगे नहीं, भरे जाएंगे, तो हो जाना चाहिए बिल्कुल। तो इस तरह से भी सोचते हैं। यदि सोच लेते हैं कि जितना रिक्तियां विज्ञापित की जाती है उतना ही रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, तो बात ही खत्म है कुल पद के अनुसार रिजल्ट। तो सबका जॉब तय है, पक्का है, समझे, जैसा कि आप सुन भी रहे हैं। अब देख लेते हैं कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी है, कि अब जैसा कि बहुत सारे वीडियो बनाए हैं सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स का बनाते जा रहे हैं, तो इस बात को लेकर क्वेश्चन है कि अब भी सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स देखना क्यों जरूरी है, मतलब कमेंट है इस टाइप का। तो समझ सकते हैं आप लोग कि आरटीआई से जो डाटा प्राप्त होगा कैटेगरी वाइज और अपने अपने सब्जेक्ट का, तो उसको अपने अपने सब्जेक्ट से कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल से मैच करेंगे, और मैच करने के बाद ही तो पता चलेगा कि सीट के अनुसार रिजल्ट है या फिर सीट से काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट है, अर्थात टीटी पूर्व निर्धारित कट ऑफ के अनुसार 75 और 67.5 से के अनुसार है, मतलब अर्थात इससे ही तो पता चलेगा कि जितना रिक्तियां विज्ञापित की जाती है उतना ही रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, अर्थात कुल पद के अनुसार, अर्थात जितना पद उतना रिजल्ट जो सुनते हैं, या फिर पूर्व निर्धारित कट ऑफ 75 और 67.5 के अनुसार। तो इस बात की जानकारी के लिए तो सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स देखना जरूरी है, और यदि जो नहीं देखना चाहते हैं वे खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए पहले ही हम बता दूं कि आपको रिजर्वेशन परसेंटेज जानना होगा, और ये रिजर्वेशन परसेंटेज के बारे में बहुत सारे वीडियो में बताए हैं और दिखा भी दिए हैं। पटना जिला के ऑफिशियल वेबसाइट से जो डेटा प्राप्त हुआ है रिजर्वेशन परसेंटेज का, उसमें बताया गया है कि बीसी कैटेगरी का 12% है। और बात कर लेते हैं ईबीसी का, तो ईबीसी का आप देख सकते हैं 18% है। और उसके बाद बात कर लेते हैं ईबीसी भी हो गया, उसके बाद एससी कैटेगरी का देखें तो एससी कैटेगरी का 16% है, और एसटी का 1% है, ईडब्ल्यूएस का 10% है, और महिला जो है बीसी कैटेगरी का बात करें पिछड़ा वर्ग की महिला का 3% है। ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए अपने खुद से कैलकुलेशन करने के लिए, या फिर आप लोग वीडियो देख सकते हैं, जिसको मन नहीं है ये सभी पता होना चाहिए उसके लिए है। और
पोस्ट जितना है आपके सब्जेक्ट में, ये तो आपको एसटीटी एडवर्टाइज में ही मिल जाएगा, जो एडवर्टाइजमेंट है विज्ञापन है उसमें ही मिल जाएगा। तो उसी नोटिफिकेशन में आप लोग देख सकते हैं पद और ये है रिजर्वेशन परसेंटेज। हाँ, साथ ही साथ आप लोगों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये होगा, वर्टिकल रिजर्वेशन हो गया, दिखाए हैं टेबल में, टेबलर डाटा में कॉलम वाइज है और रो वाइज जो होता है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हुआ। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि 35% है फीमेल का, और इधर बात कर लेते हैं FF का 2% है। साथ ही साथ आप लोग दिव्यांगजनों का देख लें तो 4% है। तो इस तरह से आप लोगों को जानकारी होना चाहिए यदि आप लोग सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी या वैकेंसी डिटेल्स का वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, खुद से कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो इतना जानकारी होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप वीडियो देखें ही, आपको ये परसेंटेज ज्ञात हो गया है, आप लोग खुद क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं और खुद आप लोग वैकेंसी डिटेल्स निकाल सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो जो सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी या वैकेंसी डिटेल्स का है। अब हो गया ओके, बात क्लियर। अब देख लेते हैं, वही बात है, वही जवाब दिए हैं, वही क्वेश्चन है, इसमें भी वही बात है। सकारात्मक सोचें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, जितना पद उतना ही रिजल्ट देख सकते हैं। आवश्यक सूचना भी आप लोग देख सकते हैं, वही बात है, RTI का डाटा भी आप लोग देख सकते हैं आवश्यक सूचना में। जब तक RTI से आवश्यक सूचना, जब तक RTI से सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज डाटा नहीं प्राप्त हो, तब तक किसी भी डाटा पर ध्यान नहीं दें, ये बताया गया है, आवश्यक सूचना ही समझें। अब यह बताया गया है कि कुछ कैंडिडेट विश्वास के साथ कर रहे हैं सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट है, तो इसका पता कैसे चलेगा? तो वही बात है कि आपको सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स का वीडियो अपलोड है, या तो उसे देखें या रिजर्वेशन परसेंटेज जो बता दिए उसके अनुसार आप लोग जितना पद विज्ञापित किया जाता है उसके अनुसार आप लोग कैलकुलेशन कर लें, जो विज्ञापन में है दिया हुआ पद कैलकुलेशन कर लें, और साथ ही साथ जो RTI से आपको सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स से मैच करना है, RTI से जो प्राप्त डेटा है उसे मैच कर लें। अब यह है कि भाई साहब, जब रिजल्ट सीट के अकॉर्डिंग दिया गया है तो इसका क्या मतलब बनता है? तो वही तो मतलब बनता है कि चेक करना है RTI से डाटा प्राप्त होगा सब्जेक्ट वाइज, यदि अपने अपने सब्जेक्ट का कैटेगरी वाइज, तो अपने अपने सब्जेक्ट का कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल से मैच करके देख लेना है। यदि मैच कर गया कैटेगरी से भी, अपनी अपनी कैटेगरी से, तो समझ जाना है कि, या फिर कुछ ज्यादा भी हो तो समझ जाना है कि पद के अनुसार रिजल्ट दिया गया। थोड़ा बहुत ज्यादा करके रिजल्ट दिया जा सकता है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें भी कुछ मत बाहर हो सकते हैं जो विज्ञापन के अनुसार योग नहीं होंगे तो बाहर होंगे, तो ये सभी बात है, तो इसीलिए दिया जाना चाहिए। और कुछ का कॉमन पेपर हो जाएगा, दोनों में पास है, ये भी बात है। और कुछ और भी बात है कि कोई अदर जॉब भी निकल सकता है, कुछ अदर जॉब भी निकल सकता है, ये भी बात है, तो वही बात है। अब बात कर रहा है क्यों, मैं तो वही बात है जो सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स का वीडियो अपलोड किए हैं उसी पर कहा गया, कमेंट किया गया, ज्यादा ज्ञानी मत बनिए, मतलब ज्ञानी इसमें क्या बनना था, लेकिन कहा गया है क्योंकि 1% ही आप सही बोल रहे हैं, 99% बकवास ही है, क्योंकि ज्यादा टेबलर डाटा से लोग कन्फ्यूज होता है, बकवास है। तो टेबलर डाटा से कन्फ्यूज क्या होना, सभी लोग अपने खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी क्वालिफाइड लोग ही अभी देखेंगे, अभी तो अधिकतर क्वालिफाइड लोग ही देखेंगे, कैंडिडेट देखेंगे वीडियो को, और सभी खुद से भी कैलकुलेशन कर लें। रिजर्वेशन परसेंटेज का डेटा सिर्फ बताना था उद्देश्य है, जिसको पता है वीडियो को पॉज करके खुद से कैलकुलेशन कर ले, और या फिर वीडियो को एग्जिट कर दे सिर्फ रिजर्वेशन परसेंटेज देख कर, हो गया, खुद से कैलकुलेशन कर लेना है। और क्वालिफाइड कैंडिडेट को समझ में नहीं आएगा ऐसा कहा जाए, बिल्कुल समझ में आएगा, एक दो को छोड़ दिया जाए अधिकतर को समझ में आएगा, कोई बकवास नहीं है। आप लोग देख ही सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, इतना टाइट एग्जाम हुआ था और इसमें भी सफल हुए हैं, और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था, बहुत सारी बातें हैं, तो अभी नहीं बताना है उतना, तब सफल हुए हैं,
तो समझ सकते हैं कैलकुलेशन आराम से किया जा सकता है। जितना रिक्तियां विज्ञापित की जाती है उतना ही रिजल्ट प्रकाशित हुआ है या नहीं, अर्थात कुल पद के अनुसार और पूर्व निर्धारित कटअप के अनुसार, इसीलिए यह बताया गया है। इसके लिए यह कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, तभी तो आरटीआई से रिप्लाई है किए हैं रिप्लाई, तो आरटीआई से प्राप्त क्वालिफाइड कैंडिडेट के डाटा को सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज मैच कर सच्चाई जान पाएंगे। तब तक आरटीआई का वेट करें, कोई बकवास नहीं है। बिल्कुल सही बात है, दे दिए हैं जितना पद उतना रिजल्ट है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए जरूरी है कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स का वीडियो सब्जेक्ट वाइज। अब बात कर लेते हैं, एक कमेंट और है कि जिसने बताया गया यूजलेस डाटा है बिकॉज यू आर नॉट बीएससीबी। तो ये कोई डाटा तो बता नहीं रहे हैं, सिर्फ वैकेंसी डिटेल्स जो कि खुद एसटीटी के विज्ञापन में आप लोग भी देख सकते हैं, एसटीटी का जो नोटिफिकेशन है उसमें देख सकते हैं, और पटना जिला के ऑफिशियल वेबसाइट से रिजर्वेशन परसेंटेज का डाटा प्राप्त है, वो भी बता दिए हैं, आप लोग कहीं से भी पता कर सकते हैं। तो यूजलेस कैसे हो सकता है, और कोई भी खुद से भी कैलकुलेशन कर सकता है, और आरटीआई से जो डाटा प्राप्त होगा उससे तो मैच करना है, तो इसके लिए यूजलेस कैसे हो सकता है। वही बता दिए हैं कि जो आगे सोचेगा उसको सब कुछ पता रहेगा, और क्वालिफाइड कैंडिडेट को सब कुछ पता ही होगा, एक दो को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्शन मान लिया जाए तो। ट्रेवलर डाटा भी समझ में आ ही जाएगा, सिर्फ रिजर्वेशन परसेंटेज ज्ञात होना चाहिए। जितना पद उतना ही रिजल्ट, वही बात है। तो इस ये सभी चेक करने के लिए तो आरटीआई पर डिपेंड होना ही पड़ेगा, साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स पर भी, दोनों बातों पर डिपेंड होना पड़ेगा कि जितना पद उतना ही रिजल्ट है या नहीं, यही कहेंगे। और आप बात कर लेते हैं कि 67.5 में या इससे थोड़ा कम है जिसका इस बार, तो इस बार रिजल्ट नहीं हुआ है, जबकि प्रीवियस में जितने भी प्रीवियस हुआ है एटीटी का एग्जाम उसमें 82 पर ही रिजल्ट हो गया है। तो ऐसा क्यों है, तो ये है नॉर्मलाइजेशन के कारण पॉइंट में आता है मार्क्स, जबकि प्रीवियस जितने भी एटीटी हुए हैं उसमें पॉइंट में नहीं था क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं था, साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग नहीं था, 1/3 1/4 ऐसे करके निगेटिव मार्किंग नहीं था, और एक क्वेश्चन एक मार्क का था, तो ऐसे में हाफ मार्क्स नहीं किसी भी क्वेश्चन में मिल पाएगा किसी भी कैंडिडेट को, इसीलिए 82 पर ही पास कर दिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, हुआ भी नहीं, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन के कारण पॉइंट में भी आता है, और पॉइंट में आने के कारण ऐसा नहीं हो पाया है। तो यही बात है। तो अब हम लोग शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए एजुकेशन सिस्टम बिहार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। तो बस इसी वीडियो में इतना ही, थैंक यू।